अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं अलकमर कंप्यूटर एंड साइंस एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। आपके माइंड में फ़ौरन क्वेश्चन आया होगा, कौन सा टॉपिक? तो आपका सस्पेंस ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताऊँ कि आज हम इंटरव्यू टिप्स डिस्कस करेंगे। इंटरव्यूज़ तो सबकी लाइफ का पार्ट है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए जाएँ तो आपको इंटरव्यू से गुजरना ही पड़ता है। कुछ लोग इसको क्लियर कर लेते हैं और बहुत से लोग इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। जो क्लियर करते हैं उनके पास कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो उनको रिजेक्ट नहीं होने देती। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं टिप्स को डिस्कस करेंगे जो आपको कभी रिजेक्ट नहीं होने देंगी। उनमें सबसे पहली चीज़ है आपकी ड्रेसिंग। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, आपकी ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती है, इसलिए आपने डिसेंट और कैजुअल ड्रेसिंग रखनी है। मेल एंड फीमेल ड्रेसिंग आपको डिस्प्ले में शो हो रही है, ये ड्रेसिंग अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर अच्छा इम्प्रेशन देंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपने बिफ़ोर एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू करनी है। बिफ़ोर इंटरव्यू, रिसर्च द कंपनी, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब के लिए अप्लाई करने लगे हैं या जिस जहां से आपको इंटरव्यू की ऑफ़र आई है, उस कंपनी की हिस्ट्री और स्टेटस आपने अच्छे से माइंड में रखना है। उसके बाद प्रैक्टिस प्लस रिपीट, क्या आपने इंटरव्यू में जिस तरह ख़ुद को प्रेजेंट करना है वो भी आपको आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद है जी गेट रेडी अहेड ऑफ टाइम, बी ऑन टाइम, दैट मीन्स अर्ली। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 12 बजे का टाइम दिया गया है तो आपका हाफ़ एन आवर पहले वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है जी ट्राई टू स्टे काम, कि अगर आपकी टर्न में थोड़ा टाइम है तो आप पुरसकून रहें वहाँ पे। और आखिरी चीज़, फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद थैंक यू का पॉजिटिव नोट ज़रूर दें। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉलो करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, हैव अ फर्म हैंडशेक, मेंटेन अ स्ट्रेट पोस्चर, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्माइल वेन एवर पॉसिबल, अवॉइड फिजिटिंग, करेक्ट हैंड मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, शो इंटरेस्ट, बी पोलाइट, लीव ऑन अ पॉजिटिव नोट। दोस्तों, फोर्थ नंबर पर देखें मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, ये क्या चीज़ है? आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू लेने वाला पर्सन आपका आई कॉन्टैक्ट ज़रूर देखता है। अगर आप नीचे फेस डाउन करके बैठे हैं या आप इधर उधर देख रहे हैं तो वो आपको इस बेस पे रिजेक्ट भी कर सकता है, इसलिए आपने अपना आई कॉन्टैक्ट उसके साथ मेंटेन रखना है ताकि आपकी रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो। ठीक है जी, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू नहीं करनी। द थिंग्स यू शुड नेवर डू एट एन इंटरव्यू, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है? एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंस, हद से ज़्यादा मगरूर नहीं हो जाना और हद से ज़्यादा खुद एतमादी भी अपने अंदर नहीं ले आनी। कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में क्या फ़र्क है? कॉन्फिडेंट, फर्स्ट आई थिंक देन आई टॉक। ओवर कॉन्फिडेंट, फर्स्ट आई टॉक देन आई थिंक। दोस्तों, पहले बोलना और सोचना ये आपको बहुत नुकसान दे सकता है, इसलिए आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है आई कैन डू इट बिकॉज आई एम वेल प्रिपेयर्ड, आई कैन डू इट ईजली एंड आई डोंट नीड टू प्रिपेयर। ये ओवर कॉन्फिडेंट आपको हमेशा हर जगह नुकसान देगा, इसलिए आपने ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ है ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपका ड्रेस डिसेंट और कैजुअल नहीं है तो आपको ड्रेस की बेस पे भी रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती है। नेक्स्ट थिंग इज़ लाए, वहाँ पे आपने झूठ नहीं बोलना, जो भी वो आपसे पूछें आपने उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, वहाँ कोई आपको कुछ नहीं कहेगा।
नेक्स्ट थिंग इज लिसनिंग एंड इंटरप्टिंग। आपने इंटरव्यू लेने वाले पर्सन की बात को गौर से सुनना है और उसकी बात को अंदर से इंटरप्ट नहीं करना, ये नहीं कि उसे उसकी बात काट के अपनी सुनानी शुरू कर देनी है। अगली चीज़ है कॉमन सेंस। जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछे, आपने उसका आंसर कॉमन सेंस में करना है, कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए। उसके बाद अगली चीज़ है सेइंग सॉरी अगेन एंड अगेन। बार बार सॉरी कहना ये आपकी पजलमेंट शो करेगा और देखने वाला पर्सन ये फील कर सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, कि आप अपनी बात पे ही कायम नहीं रह रहे और बार बार सॉरी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ है फेल टू मेक आई कांटेक्ट। ये मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि अगर आपका आई कांटेक्ट इंटरव्यू लेने वाले पर्सन के साथ मेंटेन नहीं रहेगा तो ये आपकी पजलमेंट को शो करेगा और आपको रिजेक्ट करवा देगा। इसलिए आपने इस बात को ख्याल में माइंड में रखना है। उसके बाद पुअर बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पुअर है तो आप फिर भी रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप रूम में इंटर होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जज कर ली जाती है। दोस्तों, एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि आपकी स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हॉल इंटरव्यू ड्यूरिंग। हॉल इंटरव्यू आपने स्माइल को बिल्कुल भी अपने फेस से गायब नहीं करना, क्योंकि आपकी स्माइल आपकी पर्सनालिटी को और आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन करेगी। आप रूम में इंटर होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो जो पर्सन सामने बैठा होता है वो कोई आम इंसान नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है। उसने आपका बायोडाटा आपके आने से पहले ही रीड कर लिया होता है। आप रूम में इंटर होते हैं, अगर वो आपसे ये नहीं कहता कि आप बैठ जाएं, तो आपने खुद परमिशन लेनी है कि सर मे आई सिट डाउन। अगर वो कहें हाँ तो फिर आपने बैठ जाना है। उसके बाद वो जो इंटरव्यू वाला लेने वाला पर्सन है वो आपसे पूरी दुनिया में से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अब कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएं, कस्टम, पुलिस, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बहुत से कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू इस तरह करवाते हैं, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने मैट्रिक यहाँ से किया है, एफएससी यहाँ से की है, एफए यहाँ से किया है, मास्टर्स यहाँ से किया है। दोस्तों, ये आपका इंट्रोडक्शन नहीं है। आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह देना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले बताना है अपना नाम, अपनी डिग्रीज की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बाद आपने अपनी हॉबीज बतानी है, फिर आपने अपना इंटरेस्ट एंड देन पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है। आपने अगले बंदे को ये बताना है कि आप उसके डिपार्टमेंट के लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, ना कि आपने ये बताने लग जाएं कि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये है, मेरा ये स्टेटस है, दिस एंड दैट। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। दोस्तों, लेट्स सपोज आप रूम में इंटरव्यू के लिए इंटर हो जाते हैं, तो आपकी सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज जज कर ली जाती है। आपसे पहला क्वेश्चन किया जाता है, ये मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज, इंटरव्यू लेने वाला पर्सन जो है वो आपसे कहता है कि आप इस कमरे की हर चीज़ को गौर से देख लें, हर चीज़ को नोटिस में लें। आपने हर चीज़ को देख लिया, उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आप कमरे से बाहर चले जाएं। और 15 मिनट बाद दोबारा रूम में इंटर हों, आपको क्या चेंजिंग नज़र आई है? तो दोस्तों, यहाँ आपने जवाब देना है कि मुझे टाइम में चेंजिंग फील हुई है। 15 मिनट पहले कुछ और टाइम था और 15 मिनट बाद कुछ और टाइम है। बहुत से लोग यहाँ पे जवाब गलत देते हैं कि हमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आई, ये आंसर आपको रिजेक्ट करवा देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सपोज इंटरव्यू लेने वाले पर्सन के हाथ में एक माल्टा है। आप रूम में इंटर होते हैं तो वो माल्टा दराज में रख देता है और फिर आपसे पूछता है माल्टा कहाँ है। मोस्ट ऑफ द पीपल यही आंसर करेंगे कि माल्टा तो दराज में है। ये आंसर आपको रिजेक्ट कर देगा। आपने राइट आंसर कैसे देना है मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों, आपने राइट आंसर देना है माल्टा यूरोप में एक कंट्री का नेम है।
यही राइट आंसर है। और अगर आप इसके अलावा कोई आंसर करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके गलत आंसर की बेस पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सपोज कर लें आप सीढ़ियाँ चढ़ के रूम में इंटर हुए हैं जहाँ आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू लेने वाला पर्सन आपसे ये पूछेगा कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं। यकीनन आप यही कहेंगे मैंने नहीं गिनी, तो वो आपसे कहेगा कि जाएं दोबारा ऊपर आएं और सीढ़ियाँ गिनें। जब आप दोबारा रूम में आएंगे तो आप ये लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि आप 15 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, तो वही आपका आंसर रॉन्ग कर देगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ये है कि 15 सीढ़ियाँ आप तब चढ़ के आए हैं जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर दाखिल हुए, और 15 सीढ़ियाँ आपने दोबारा चढ़ी हैं जब आपको वापस भेजा गया था सीढ़ियाँ काउंट करने के लिए। तो टोटल 30 सीढ़ियाँ आप चढ़ के आए हैं। दिस विल बी द राइट आंसर। इससे आपकी सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी सिलेक्शन होगी, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा इस आंसर के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट आपसे कहा जाए कि दो ट्रेन आपस में टकरा गई हैं, आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे, क्या एक्शन होगा आपका? क्या आप फौरन मदद के लिए बुलाएंगे किसी को, या आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, या फिर आप एम्बुलेंस को कॉल करने की बजाय पुलिस को कॉल करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये होगा, सेलेक्ट वही होगा जो राइट आंसर देगा। राइट आंसर ये है कि मैं सबसे पहले, सपोज दैट मुझे कहा गया है कि दो ट्रेन आपस में टकरा गई हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये पता लगाऊँगा कि वो गाड़ियाँ माल गाड़ियाँ हैं या सवारी वाली गाड़ियाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक माल्टे का बहुत बड़ा दरख्त है और माल्टे का मालिक जो है वो सख्त पहरा दिए हुए है। आपको कहा गया है कि आपने दरख्त से एक माल्टा खाना है, क्या आप उसके मालिक को ये कहेंगे कि मैं आपके बाग से माल्टा खा लूँ, वो तो मना कर देगा, या आप उसे कहेंगे कि मुझसे पैसे ले लो और मुझे माल्टा दे दो? अगर आप उसे ये कहेंगे कि क्या मैं आपके बाग से एक माल्टा खा लूँ, तो वो जवाब नहीं देगा, उसने आपके हर सवाल का जवाब नहीं में देना है। तो इसमें आपको क्या आंसर करना है ये मैं बताती हूँ आपको। आपने जवाब देना है कि मैं माली से कहूँगा मैं आपके बाग से एक माल्टा खा लूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मालिक कहेगा नहीं तो आप माल्टा खा सकते हैं, ये जवाब आपको सेलेक्ट करवा देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सपोज दैट आपको एक पेज और एक पेन दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपने 11,111 लिखना है 10 सेकंड में, तो आप यकीनन इस तरह लिखेंगे। लेकिन दोस्तों 11,111 लिखने के लिए आपको 10 सेकंड रिक्वायर हैं, जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं ये जवाब गलत है। ये जो उर्दू काउंटिंग में लिखा हुआ है ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 11,111 आप इस तरह उर्दू में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रेन के पीछे ये क्रॉस का निशान क्यों बना होता है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ये है कि ताकि पैसेंजर्स को पता चले कि ये ट्रेन का आखिरी डब्बा है, इसके पीछे कोई डब्बा नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।